पिंटू जी, आप दूल्हा के ड्रेस में ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज से ना आप हमको चाची नहीं मम्मी कहकर बुलाएंगे। क्या बात है। आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता फाइनल। पूरा भागलपुर हमको भैया बोले, लेकिन आप और भाभी जी, आप दोनों हमको संती जी बुला सकते हैं। अरे क्या बात है भैया जी। आइए भैया जी, आइए 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 आप आइए। यहाँ बैठिए। देखिए आप लोग आराम से बैठिए, हम अभी आपके लिए चाय कॉफी का इंतजाम करके लाते हैं। आप परेशान मत होइए, कोनो चीज की जरूरत हो तो हम खुद ही ले लेंगे। अरे हम देख कर आते हैं कि हमारी पिंडकी तैयार हो गई कि नहीं। कहाँ पिंटू सिंह? सोचा तुमने? लगता है अपने बाप की जिंदगी का कोई फिकर नहीं है तुमको। हेलो, देखिए हम आपका बात मानने के लिए राजी, लेकिन आप एक बार हमको हमारे पापा से बात करवा दीजिए। हम आप जो बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमको बस एक बार पापा से बात करना है। जो कहा जा रहा है वो करो, नहीं तो अपने बाप से कभी बात नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, देखिए हम आपका बात मानेंगे, हम अर्जी वापस ले लेंगे, लेकिन आप एक बार हमको हमारे पापा से बात करवा दीजिए। हेलो, सर अभी अभी हमें कंट्रोल रूम से उन बदमाशों के ठिकाने का पता चल गया है। पटना मुजफ्फरपुर रोड पर उनका ठिकाना है। विद्या भैया अपहरण करवा दिए।
पड़ी है बाबू। इसका मतलब वो विद्या बाबू को लेकर यहीं आए थे, लेकिन वो गए कहां? यजमान जी, कन्यादान की विधि संपन्न करने के लिए आप आ जाइए। यजमान जी, कन्या का हाथ भर के हाथ में दीजिए। हम का करने जा रहे? माँ ने कहा था कि ये सब कुछ हमारी खुशी के लिए हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हम खुश नहीं हैं। हम तो पिंकी से शादी भी नहीं करना चाहते, फिर हम ये सब काहे कर रहे? हम शादी नहीं कर सकते। एक बार अगर बाबूजी से बोलेंगे कि हम ये शादी नहीं करना चाहते, तो शायद वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पिंटू बेटा, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। कुछ लोग यहाँ एक बुजुर्ग आदमी को लेके आए थे, किधर गए बता? साहब हमने किसी को नहीं देखा। साहब बता, सच बता। साहब हम तो अभी आए ना साहब यहाँ पे। देख झूठ बोला तो इतनी ठोक दूंगा तुझे। नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा साहब, अभी तो आए हम, हमको कुछ नहीं पता साहब, पूछ लो जाए आप। यहाँ क्या कर रहा है? चल निकलो यहाँ से, चलो भागो। ये लोकल आवारा लड़के हैं, शराबी हैं, जानता हूँ। कृष्णा हिम्मत मत हारो, चाचा को कुछ नहीं होगा। आओ। अगर तुम लोग जोकर जैसा हरकत करना बंद करो, उस जगह छोड़कर निकल जाओ। याद रहे किसी भी हालत में पुलिस के हत्थे नहीं लगना है, निकल जाओ तुरंत वहां से। भैया जी काम बात कर रहे हैं, हमको थोड़ा घबराहट हो रहा है भैया। काहे बुड़बक जैसा बात कर रहे हैं बिहारी, हम कर रहे हैं ना व्यवस्था। नहीं नहीं, वो का है, हम जानते हैं आप सारा व्यवस्था कर दिए होंगे, पर कोयला खदान
वहाँ पटना में न जाने का का उल्टा सीधा कर रही होगी, उसकी वजह से हमारा पिंकी कोनो परेशानी ना हो जाए। अरे अगर आदमी के पास पैसा और दिमाग हो तो कुछ हो कर सकता है। हम तुम्हारे विद्या भैया का अपहरण करवा दिए। अरे भैया, और कृष्णा को धमकी दी है कि वो अर्जी वापस ले ले। ये जी वो सब तो ठीक है, पर ये बड़ा रिक्स वाला मामला है। अरे भैया जी, कुछ उल्टा सीधा हो गया पुलिस पुलिस के चक्कर में तो गजब हो जाएगा। अरे छोड़िए, जिस पैसा के बल पे हम कृष्णा को फेल करवाए थे उसी पैसा के बल पे हम पुलिस का पूरा महकमा खरीद लेंगे। चलिए अब बातचीत बंद कीजिए, चलकर पिंटू सिंह का फेरा देखते हैं। चले इस्तेमाल कर बैठ, इसका मतलब आपका वो प्यार सब नाटक सब धोखा। बबलू वो भी हमको समझाते लेकिन हम कभी उनका बात नहीं समझे। हम आप पे पूरा भरोसा करते थे बाबूजी, लेकिन वो आप तोड़ दिए। आपके लिए किसी का सुख किसी का दुख दोनों मायने नहीं रखता। आपके लिए आपका घमंड आपका अभिमान वही सब कुछ, और चाहे इसके लिए आपको अपना बेटा का बलि क्यों ना चढ़ाना पड़े। बाबूजी, हम तो आप पे पूरा भरोसा करते थे। आपने आज तक जो हम आंख मूंद के आपका बात मानी, लेकिन काहे काहे इतना बड़ा धोखा अपना बेटा से। बाबूजी बताइए, हमारा बलि चढ़ा के आपको क्या मिलता बताइए हम। और वो कृष्णा, उसने आपका कहा बिगाड़ा था जो आप उसका जिंदगी बर्बाद करने पे तुलते। आज तक हमको आपका बेटा अभिमान, लेकिन आज हमको शर्म आती है कि हम आपके बेटे हैं। आपके बेटे हैं। पिंटू सिंह पर, पर, पर।
हमारी नजरों से गिर गए। पिंटू जी हमरा पिंटू भैया रुकिए ना, ये देखिए देखिए पिंटू जी चले। भैया जी रुकिए ना, पिंटू जी पिंटू जी पिंटू जी पिंटू जी क्या हुआ कृष्णा? सर हम फैसला लिए हैं कि हम अपना अर्जी वापस ले लेंगे। क्या मतलब, क्या कह रही हो? सर हमको इस बारे में कोई बात नहीं करना है। पिंटू जी गुस्सा थूक दीजिए, बात होनी है जो आप समझ रहे हैं। बोलते कह नहीं पिंटू जी, बताइए। हम तुम्हारे विद्या भैया का अपहरण करवा दिए हैं और कृष्णा को धमकी दी है कि वो अर्जी वापस ले ले। हम इस शादी नहीं कर रहे हैं। अरे पिंटू जी हमारा बात सुनिए ना। हम इस शादी नहीं कर रहे हैं। हमको माफ कर दीजिए। अरे पिंटू जी हमारा बात सुनिए ना। अरे पिंटू जी सुनिए ना। अरे पिंटू जी, अरे पिंटू, पिंटू
हम ही शादी नहीं कर रहे हैं। अरे पिंकी, पिंकी कहाँ हुआ? पिंकी, अरे पिंकी, 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 पिंक